हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. माई सेल्फ श्वेता. डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू इंग्लिश ग्रामर. नाउ स्टार्ट आवर क्लास. स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी थर्ड क्लास ऑफ इंग्लिश ग्रामर. स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास थ्री के लिए इंग्लिश ग्रामर का वीडियो लेकर आई हूँ. क्लास थ्री का चैप्टर वन है ये अल्फ़ाबेट फन, यानी अल्फ़ाबेट के बारे में हम लोग को पढ़ना है. तो स्टूडेंट्स, आप लोग का जो इंग्लिश का मेन बुक था उसका सिलेबस मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ. चैप्टर वन से लेकर के चैप्टर फोर तक का सिलेबस था. तो आज हम लोग चैप्टर वन स्टार्ट करेंगे. तो ग्रामर का यूज़, ग्रामर इन यूज़ अल्फ़ाबेट फन, अल्फ़ाबेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. ए डिक्शनरी इज अ बुक दैट टेल अस मीनिंग ऑफ वर्ड्स. डिक्शनरी जो होता है वो क्या होता है, वो वर्ड्स का मीनिंग बताता है. डिक्शनरी जो होता है, डिक्शनरी इज अ बुक है, डिक्शनरी एक बुक है जो हम लोग को क्या बताता है, वर्ड्स का मीनिंग बताता है. इन अ डिक्शनरी द वर्ड्स आर गिवेन इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. और डिक्शनरी में जो वर्ड्स होता है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दिया हुआ रहता है. यानी कि पहले जो वर्ड्स होता है वो ए से स्टार्ट होता है, फिर बी से होता है, फिर सी से होता है, ऐसे होता है. This means word started with D will come after the words starting with A, B, C and so on. जब हम लोग जो भी words हम लोग को जैसे D से देखना है, जो words D से start होता है, तो D से start होने के पहले after the words, यानी कि A, B, C, A, B, C words के बाद ही D आता है. ठीक है, after means क्या होता है, बाद. तो जो भी जैसे डी से कोई वर्ड्स हम लोग को देखना है तो वो ए बी और सी के बाद ही आएगा. ए डिक्शनरी हेल्प टू लोकेट द वर्ड ईजली. डिक्शनरी जो होता है वो हम लोग को लोकेट कोई भी वर्ड्स को देखने के लिए ईजली होता है. काफ़ी हम लोग ईजी से उस वर्ड्स को देख सकते हैं. यहाँ देखिए, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स है, जैसे डॉग है, एप्पल है, टाइगर है, शर्ट है, एलिफेंट है. तो आर द एबव वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. क्या ये वर्ड्स जो है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हैं? तो नो, दे आर नॉट इन एन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. नो, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड दिया हुआ है वो पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कब रहता, जब ए रहता, फिर बी से स्टार्टिंग रहता, तो फिर सी से रहता, फिर डी से रहता. लेकिन यहाँ डी से है, फिर ए दे दिया है, फिर टी है, तब एस है, और लास्ट में ई है. तो ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है. नाउ रीड द वर्ड्स अगेन. अगेन हम लोग फिर वर्ड्स को रीड करेंगे. एप्पल है, डॉग है, एलिफेंट है, शर्ट है, टाइगर है. तो ये जो है, द अबव वर्ड्स आर नाउ इन एन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. ये जो वर्ड्स है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है. कैसे है? क्योंकि पहले ए से स्टार्टिंग है एप्पल, फिर डी से है डॉग, फिर ई से एलिफेंट, एस से शर्ट और टी से टाइगर. तो ये क्या है, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. टू अल्फ़ाबेटाइज अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स यू स्टार्ट बाई प्लेसिंग देम इन ए बी सी ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड्स. अल्फ़ाबेटिकल जो वर्ड्स होता है, जैसे जो लिस्ट ऑफ वर्ड्स होता है, जैसे ए बी सी से स्टार्टिंग होता है, यू स्टार्टेड बाई प्लेसिंग देम. जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लेटर, यानी कि ए से जो फर्स्ट लेटर है ए बी सी, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं. It is easy to say the letter to yourself silently when placing words in an alphabetical order. तो इस तरह जो है easy to say, हम लोग को से, हम लोग को पढ़ने में easy होता है. हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से हम लोग alphabetical order में अगर रहेंगे तो हम लोग alphabetical order में अगर हम लोग start करेंगे पढ़ना, जैसे मान लीजिए कि आप लोग को कोई word है, ठीक है, जैसे आप लोग को duck ही ले लीजिए. duck आप लोग को जैसे समझ में नहीं आ रहा है किसी को कि duck means होता क्या है, ठीक है, तो आप लोग इंग्लिश का डिक्शनरी खोलेंगे, डिक्शनरी देखेंगे, तो फिर आप लोग तो ढूंढते रह जाओगे कि डक कहाँ है डिक्शनरी में. तो हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में खोजेंगे उसको, ठीक है, सर्च करेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में डिक्शनरी में दिया होता है. तो पहले हम लोग ए देखेंगे, फिर बी देखेंगे, फिर सी देखेंगे, फिर लास्ट में हम लोग क्या देखेंगे, डी. तो डी से आप लोग का डक जो है वो आप लोग को मिल जाएगा. तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में अल्फ़ाबेटिकल जो फन था उसमें हम लोग को क्या पढ़ना था, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पढ़ना था, कि ए बी सी डी जो होता है वो डिक्शनरी के बारे में पढ़ना था, कि डिक्शनरी जो होता है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही रहता है. तो स्टूडेंट्स, आप लोग का ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को ये जो बुक वर्क दिया गया है मैं वो कराऊँगी. यहाँ क्या है, सर्किल द वर्ड्स दैट कम्स फर्स्ट इन एन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. यानी कि वन में ग्लूम है, वेवर है, उसके बाद ड्राइज है,
स्टडिंग है, ठीक है। तो ऐसे है तो इसमें जो सबसे पहले जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आता है उसको करना है, यानी कि वेवर जो है बी, इसको आप लोगों को क्या करना है, सर्किल करना है। तो स्टूडेंट्स मैं नेक्स्ट वीडियो में ये कराऊंगी, तब तक आप लोग को ये जो चैप्टर 1 है उसको फिर से रीड करना है। तो स्टूडेंट्स हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।